Mummy and daddy are looking like hero heroine. Especially look at Nikhil. Wow. अच्छा लग रहा हूँ. Wow. I mean this outfit is slay. चलो. So comfy, so slay. Perfect for summer. Love it. Very much. इतना अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. Yes. ऐसे रोज ड्रेस किया करना. अरे नहीं है. मैं काम काम कर गया. Skyu को फोन रेडी कर दिया है मैंने. और Skyu गुस्सा इसलिए है. बिकॉज मम्मी ने बिना पूछे कोको मेलन को बोला ओके गूगल टर्न ऑफ टेलीविजन. तो Skyu को जब भी मैं ऐसे बोलती हूँ ना तो Skyu को बहुत गुस्सा आता है मेरे ऊपर. ओके सॉरी सॉरी सॉरी. चलो बेटा. सॉरी लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. मेरा Skyu के साथ ट्विन करने के लिए बड़ा मजा आता है. और आज मैंने Skyu को 2 साल की बेबी का कपड़ा पहनाया. मतलब आई बॉट दिस लास्ट टाइम वी वेंट टू कैनेडा एंड आई वाज लाइक बहुत टाइम है पर आज लाइक चलो ऐसे ही ट्राई कराती हूँ कि आता है कि नहीं आता. बिकॉज डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि इसका हाइट जो है काफ़ी लंबा है फॉर हर एज. सो देन मैंने ट्राई किया और उसको फिट आ गया. सो निकल लाइक मेरी बेटी है लंबी है. ये देखो स्टंट्स एट द बैक. ये स्टंट हमारे घर में फुल टाइम चलता है और इसको देख के मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है. कितना बार गिरा दिया है. निखिल बोलता है छोड़ 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 सीखेगी खुद से. कैसे सीखे मुझे डर लगता है. आई वांट हर टू लर्न. खुद से बैठ गई. आई नो शी इज टैलेंटेड. वो बस थोड़ा उसका पैर बढ़ेगा ना. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ये पैडल भी मारेगी देख थोड़े दिन. वेरी गुड. और आजकल Skyu का स्माइल है नॉट क्यूट. ये वी आर रेडी टू पैडल. चलो बेटा बाहर जाना है. चलो तुम्हारा पापा चिल्लाएगा 7 बजे. चलो मुंबई में सबकी प्रॉब्लम ये है कहाँ जाएंगे. इसके लिए मोशन ऐसा नहीं है. जिसको जिसको जो मिलता है ना. जब लॉकडाउन होता तो कैसा लगता था हम लोग को. अरे यार लॉकडाउन है कुछ तो खुले. जिसे खुलता था हम लोग कहाँ कहाँ भागते थे. मुंबई इज अ कंजेस्टेड प्लेस ना. और यहाँ पैसा भी है. इसको पता है कैमरा करके नाटक करती है. तेरे पास ही आते हैं. पता कितना बुरा लगता है मुझे. मैंने निखिल को बोला जस्ट वेट फॉर टू बी 2 and 3 एंड लेट हम स्टार्ट टॉकिंग. मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछेगी वो. All the daughters only and only are attracted towards their dad at a certain time. और फिर मम्मी दुश्मन हो जाती है. तो जितना टाइम है मेरा मुझे एंजॉय करने दे. ठीक है ना स्किट्टू. ऐसा नहीं है. उसको अपनी बच्ची को दोनों चाहिए रहेगा. I hope. Oh, so sweet. आजकल स्किट्टू को मैंने नई चीज सिखाई है और वो खुद सीख गए. कितने टाइम से सिखा रही थी. आके ऐसे पप्पी मारती है. ऐसे. So sweet. चलो. मारा मारा. जब भी गाड़ी में बैठते हैं तो ये लड़की को यही करना है. टाटा वेयर इज टाटा. टाटा टाटा टाटा. ये Skyu 100% गाड़ी चलाना बहुत जल्दी सीख जाएगी. मैं आपको गारंटी दे रही हूँ निखिल इसको बहुत जल्दी सिखा देगा. मुझे तो नहीं सिखाया आज तक. ओए 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 मैडम हैवी ड्राइवर. Skyu का फेवरेट बटन है AC वाला और ये स्टेयरिंग व्हील गाड़ी में. We are happy. Yay! बोलते हैं मम्मी पापा को इतना घूमना अच्छा लगता है तो बच्चे को नहीं लगेगा क्या. पर लिटरली वी आर सो लकी दैट Skyu को बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड सो वी रियली लाइक इट. बस गाड़ी में इसको सारी चीज़ों को टच करना है. दैट्स दी ओनली प्रॉब्लम. अदरवाइज शी लव्स टू ट्रैवल एंड वी आर वेरी लकी फॉर दैट. मैंने आप लोगों को बोला ना कि स्किट्टू जो है बहुत यहाँ वहाँ टच करती है. आई वॉज टेलिंग यू गाइज कि स्किट्टू इतना टच करती है यहाँ कि निकल रेडी हो जाता है. तो मुझे और स्किट्टू को पीछे भेज रहे. चलो स्किट्टू बेटा. इट्स डेंजरस दैट्स व्हाई. यस इट्स नॉट सेफ. चलो किधर भी हाथ मारती है कभी गियर न्यूट्रल कर देती है रिवर्स कर देती है. इट्स नॉट सेफ. मैं बोला आगे. आई एम क्वाइट अगेंस्ट. निकल इज अ वेरी सीरियस ड्राइवर. नो आई एम अगेंस्ट सिटिंग शैनेस इन स्काई हियर. मैं तो बहुत झगड़ा करता हूँ शैनेस से. बिकॉज यार मैं तो बोलता हूँ छोड़ अभी जाने दे यार. फिर आप लोग बोलेगी ये वो. सही इधर पीछे बैठो. अरे उस साइड से बैठ रहे मेरी माँ. इधर से मत बैठ. अच्छा ठीक है. उस साइड सेफ रहता है ना. Skyu यहाँ पर रहती है. वहाँ रहेगा तो डायरेक्टली. हम पीछे आ गए और यहाँ पे Skyu को बहुत जगह भी है खेलने के लिए. वो बाहर देखती है. उसको अच्छा लगता है विंडो के बाहर देखना. तो यहाँ पे पीस में बैठेगी और देखेगी. और निखिल को भी डिस्टर्ब नहीं होगा और गाड़ी में कम झगड़े होंगे. चलो बेटा सेफ्टी सपोज टू बी अ प्रायोरिटी.
तो वी वेंट ऑन अ वेरी लॉन्ग ड्राइव और अभी मस्ती चल रही है दोनों बाप बेटी की. एंड आज हमने डिसाइड किया दैट वी ईट फूड फ्रॉम आउट बिकॉज ऑल द डेज वी बीन ईटिंग एट होम. तो आज हमने बोला कि लेट्स ईट फ्रॉम आउटसाइड. तो हम बस टेक अवे लेने आए थे जय जवान एंड फाइव स्पाइस से बांद्रा में और फिर घर जाएंगे. Hey, the road is here, beta. Chichi, Nicholas, dirty, baby. Walk पे गए थे तो I was like मैं mango खरीद लेती हूँ because mango का season चल रहा है और Sky ने कभी mangoes नहीं खाया. तो अभी I just little a puree for the first time कि पहली बार देखती हूँ कैसे टेस्ट को लेती है. But she loves the taste so much. तो कल से मैं इसको छोटे छोटे mango pieces दूंगी खाने के लिए. But she's enjoying it. I'm so happy. You, is this your favorite spot? Yes. Sky, you just loves to be in this box. ये boxes मैंने मंगाए थे to organize stuff in my house. But फिलहाल I was filling this box. लेकिन Sky, you कल से मुझे भर नहीं देती कोई सामान. Just loves to sit inside this because all the stuff needs to be organized. So I got this. आज बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया. I mean, Sky woke up at 8. I woke up a little late because of my periods because I was so tired and second days of periods are always very tough. तो और कोई बोलता नहीं है pregnancy के बाद and especially after you have like a vaginal delivery, the pain, period pains, I don't know, it becomes a lot more worse, at least for me. और पहले कभी भी ऐसे pains नहीं होते periods में, लेकिन अभी after delivering Sky, it's like periods are a little painful and they make me feel a little uneasy. Sky खेल के आगे सुबह 9 बजे गार्डन में पापा के साथ खा लिया, मस्ती कर लिया, पढ़ लिया थोड़ा सा बुक्स एंड देन शी वेंट डाउन फॉर अ नैप. शी गॉट अप. आई ऑल्सो फिनिश्ड माई ट्रेडमिल वर्कआउट फॉर टुडे एंड आई फील सो ग्रेट. मैन हाई Sky को भी नहलाया, मैंने रेडी कर दिया है. तो अभी निखिल बाहर गया है, जब वो वापस आ जाएगा सो वी विल गेट रेडी एंड जस्ट गो आउट टू डू सम वर्क. इट्स बिन ऑलमोस्ट 12 डेज दैट वी आर फॉलोइंग दिस गुड रूटीन एंड सब कुछ अच्छा लग रहा है. आई टोल्ड यू गाइस इट वॉज नॉट पॉसिबल विद Sky, बट फाइनली आई फील कि इस रूटीन में मुझे अपने लिए टाइम मिलता है. वरना आई एम ऑलवेज ओनली ऑक्यूपाइड विद Sky एंड काम मैनेज करना अलॉन्ग विद दिस लाइक क्रिएटिंग कॉन्टेंट में लुक लाइक अ वेरी ईजी जॉब, बट इट इज़ नॉट. दिमाग को बहुत यूज़ करना पड़ता है एंड देन वैन यू डूइंग एवरीथिंग बाई योर सेल्फ लाइक द एडिटिंग, द प्रोडक्शन एंड द शूटिंग, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन बाई योर सेल्फ, इट गेट्स इवन मोर टफर. तो बस वही, बट आई एम सो ग्लैड कि स्केड्यूल में मैं मैनेज कर पा रही हूँ एंड द बेस्ट पार्ट इज आई गेट टू स्पेंड टाइम विथ माई Sky. नो नो किशू फॉर मामा. ओके यू सिट इन योर बॉक्स, सिट देयर. Sit the walking. Come here, Sky. Sky, you? What is this? Naughty girl, naughty girl. Naughty, mera babu is naughty. Chalo, babu, let's go eat. दाल चावल, योर फेवरेट दाल चावल. मीटिंग ले गए और मीटिंग जाकर करके आ भी गए एंड द मीटिंग डिडंट गो एग्जैक्टली लाइक द वे वी वांटेड टू गो. मतलब इतनी बड़ी चीज़ है गाइज, आई एम वेटिंग टू शेयर इट विद यू गाइज सिंस द टाइम आई गॉट प्रेग्नेंट एंड आई कैन नॉट शेयर. मतलब मुझे लगा था कि Sky जब पैदा होगी तब तक हम शेयर कर पाएंगे, बट नहीं हो रहा है. सो आई वॉज रियली रियली सैड. बट देन निखिल ने मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ बोली थी कि शैनस सैड होके क्या हो जाएगा, सिर्फ स्ट्रेस ही होगा, उल्टा जो अभी का मोमेंट चल रहा है वो भी ख़राब हो जाएगा. So don't focus on that so much. But I'm really upset. I may not look like, but I'm really upset in my head. And मुझसे ज़्यादा निखिल upset है. Because Shanice upset होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता. And I do everything what can make Shanice happy. और ये माना नहीं बहुत happy लेकिन. Doing. अभी जाके बैठी है निखिल के पास ये, वरना कब से बस. नहीं, इसको उठने के बाद ना, इसको सिर्फ मम्मा चाहिए जो कि अभी आ रही थी. मम्मा चाहिए. ये देखो, देखा? ऐसा कैसा मामा ने बोला तो इसके लायक मामा के पास बैठ गई. ओके आई ओनली लव यू. इनफैक्ट अभी बीच में मैंने वो लैम को पकड़ा था तो लैम को ऐसे लेके उसने फेंका और बोलती से मेरी मम्मी. और फिर मैंने और निखिल उसके सामने एक्टिंग कर रहे थे ऐसे हग और किस करने का, तो वो आई ऐसे रोने लगी और डैड का हाथ डाल के ऐसे मेरी मम्मी है. दैट फील्स रियली नाइस ऑल्सो. बट what is that? What is that, Sky?
रात को भी दिन में मिल सकता है, अभी पूरा थूकी बाहर निकलेगा। कुछ भी ऐसा ताकत लगाते ना तभी। No, I know what it reminds me of, सुबह सुबह जब स्कूल के लिए उठते थे याद है, सुबह 6 बजे सब अंकल लोग आवाज करते थे, वैसा ही आवाज साउंड कर रहा है। ये देखो फेवरेट थिंग, मेरे बाल को किसी को चाहिए फेवरेट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ओके एनीवेज गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज इन्जॉयड वॉचिंग इट एंड आपको वो पनिशमेंट वाला पार्ट देखे बड़ा फन आया होगा। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।